जी थैंक यू वेरी मच। आई होप मेरी आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को। मेरे स्टार्ट से आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि आई वुड लाइक टू कीप दिस इनफॉर्मल। थोड़ी ये बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ मेरे साथ ज़रा बर्दाश्त नहीं होती मुझसे। पहले थोड़ा सा एक दो बातें आपको बता दूँ। दिस इज़ लाइक अ प्री टॉक। द फर्स्ट थिंग इज़ दैट दिस इज़ एन ओपिनियनेटेड टॉक। सो अ लॉट ऑफ द थिंग्स दैट आई से हेयर मैं नॉर्मली किया करता हूँ यहाँ पे अपने लाइव स्टूडेंट्स के साथ। ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको कमरे में बिठा के उनको बताने वाली बात होती हैं। ये इस तरह पब्लिक करने वाली बहुत सारी इसमें बातें इस तरह की आएंगी जो कि टेक दम एज माई ओपिनियन, ठीक है? गलत हो सकता है, सही हो सकता है, कहीं और से अगर आपने कुछ सुना अच्छी बात है, टेक वॉट एवर यू वॉन्ट फ्रॉम दिस टॉक। एक बात। दूसरी बात यह है कि आई वुड लाइक टू कीप दिस इंटरेक्टिव। सो आप लोग सवाल पूछ सकते हैं यहाँ पे क्यू एन ए में। प्लीज़ पूछिए, साथ साथ सवाल पूछते रहेंगे क्योंकि दिस इज़ सपोज टू बी ट्राइंग टू गाइड यू। मेरे जहन में जो यूज़ केसेज हैं, जो मुझसे लोगों ने बात की हुई है पास्ट में, पहले मुझसे बातें करते रहे हैं, तो वी हैव दैट आइडिया कि लोगों के जहन में क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। सो आई कैन ट्राई टू एड्रेस दोज। लेकिन जो आप लोगों के जहन में स्पेसिफिक क्वेश्चन हैं, प्लीज़ डू आस्क दैट, ताकि हम उसको थोड़ा सा गाइडेड तरीके से सेशन को चला सकें। आई ट्राई टू कीप माई ओन इनिशिएटिव, थोड़ा सा ब्रीफ रखूँगा और जो आप लोग सवाल पूछें तो उसके बारे में बात करूँगा। दो तीन बातें हैं जो कि आपको बताने की हैं। सो दी करियर काउंसलिंग नॉर्मली जिस तरीके से होती है, दिस इज़ नॉट दैट टाइप ऑफ अ टॉक। I'm not going to cover the breadth of the things that you can do. I'm going to give you a few fundamental principles जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं, ठीक है जी? और उसके बाद फिर hopefully you can ask questions, या मैं थोड़े से एक दो तीन आपको use cases बता दूंगा जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। So मेरा जो perspective है career का, वो मैं पहले आपको बता दूँ। If you don't agree with that, if you don't agree with the objectives that I have for you for this session, so it would be better that you go somewhere else for the opinions. So मेरा opinion ये है कि आफ्टर यू ग्रेजुएट यू आर गोइंग टू हैव एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मनी, ठीक है? सो दैट इज़ माई परस्पेक्टिव फॉर दिस टॉक। दैट इज़ नॉट टू से कि दैट शुड बी द ओनली परस्पेक्टिव, देर आर अदर थिंग्स टू डू, सोसाइटल जो बेनिफिट्स होते हैं वगैरह वगैरह वगैरह, जितनी भी चीज़ें हैं दोज आर देयर। लेकिन इस टॉक के लिए द परस्पेक्टिव इज गोइंग टू बी दैट यू कैन अर्न मनी एंड यू कैन enjoy yourself while doing that. ये दो चीज़ें जो हैं एक साथ चलाने की बात है। So you need to somehow put yourself into a position where you're earning money and you're not bored with your job. ये दो objectives जो हैं ये मैं throughout यहाँ पर चलाऊँगा। इसके लिए आपको दो चीज़ें चाहिए होती हैं। नंबर एक, how do you earn money? ठीक है जी? So there is a big problem जो कि students को, especially जब वो graduate वगैरह होते हैं तो उनके जहन में ये होता है कि भाई मैं जब जाऊँगा तो मुझे कितने की नौकरी मिलेगी। ठीक है जी? मेरा दोस्त गया था, सीनियर था मेरा, उसको 1 लाख रुपए की नौकरी मिली थी, मुझे पता नहीं कितने की मिलेगी। दूसरा गया था, उसको 20,000 की भी नहीं मिली, तीन बेरोजगार फिर रहे हैं। ठीक है? इस किस्म की बातें आपके जहन में होती हैं। सो इवन दो आई सेड कि आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट मनी, इट्स नॉट द राइट वे टू अप्रोच थिंग्स। इस बात को समझें थोड़ा सा। अगेन मैंने आपको पहले बताया ये ऑफलाइन करने की बात है, इट्स गोइंग ऑनलाइन, सो थोड़ा सा बर्दाश्त करेंगे मेरी बातें, थोड़ी सी फ्रैंक में करूंगा। नोबडी इज गोइंग टू गिव यू मनी बिकॉज यू नीड मनी, ठीक है जी? दैट इज कॉल्ड बेगिंग। पीपल आर गोइंग टू वॉन्ट टू गिव यू मनी वेन यू क्रिएट वैल्यू, ठीक है जी? कोई एक ऐसा काम करें विच हेल्प्स अदर्स, ठीक है? मैंने आपको पहले बता दिया मेरा ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू हेल्प अदर्स, माय ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न मनी। बट द बेस्ट वे टू डू दैट इज टू क्रिएट वैल्यू फॉर पीपल। व्हेन पीपल रियलाइज दैट व्हाट यू आर डूइंग इज क्रिएटिंग वैल्यू फॉर देम, देन दे आर गोइंग टू बी ब्रिंगिंग मनी टू यू ऑन द टेबल, ठीक है जी? इस बात को समझिए अच्छे तरीके से। सो फॉर इंस्टेंस इफ यू गो टू ए जॉब इंटरव्यू, हैप हैजर्ड किस्म की टॉक होगी, ठीक है? बर्दाश्त कर लें थोड़ा सा। सो यू गो टू अ जॉब इंटरव्यू एंड दे आस्क यू कि आपको क्या क्या काम आता है। सो इफ़ यू स्टार्ट विथ के मैंने ये सीखा, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में ये किया था, मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में ये था, वगैरह वगैरह, सो दिस इज ऑल अ मी 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 मी, दैट इज़ द रॉन्ग वे टू अप्रोच थिंग्स। द वे टू अप्रोच थिंग इज विच इज कॉल्ड ए यू एटीट्यूड। आप लोगों ने कहीं पर शायद पढ़ा भी होगा, यू एटीट्यूड इज यू ऑलवेज स्टार्ट विद वॉट दे वॉन्ट फ्रॉम यू एंड एवरी क्वेश्चन दैट यू आंसर हैज़ टू बी ब्रिंगिंग वैल्यू टू देयर कंपनी, देयर एनवायरमेंट, देयर लाइव्स, ठीक है जी? सो यू ब्रिंग value to the people and that is where people are going to start paying you money. ठीक है जी? इसके मैं specifics की तरफ आता हूँ थोड़ा सा। दो fundamental मैंने बातें आपको बताई। नंबर एक, you need to learn how to earn money, उसका जवाब मैंने आपको बता दिया। तो that you need to create value, कैसे करते हैं उसकी तरफ थोड़ी देर में आते हैं। दूसरी चीज, you don't want to be bored when you're doing any job. If you get up,
in the morning and you think, oh, my 8 baje class hai, teacher ki shakal kaun dekhega. Jaise meri 8 baje class hoti hai, to I know ke bahut sare students jo hain wo ye soch rahe hote hain ki subah subah iski shakal jaake kaun dekhega. So if you're on a job, theek hai, student life mein to hota hai na, chalo khair hai, khatam ho jayegi ye class hai, khatam ho jayegi, kal is bande ki class bhi nahi hai, bardasht nahi karna padega, ya bahut ho gaya to chalo 4 saal hai, uske baad befikar ho jayenge. When you're on a job and you in the morning when you get up and you think about ke bhai ye kaun jayega is naukri pe, that is a job that you don't want to be in, even if it's paying you a good amount of money. Theek hai ji. So number one, create value, paise wahan se aayenge. Number two, keep your choices open. तो ये दो चीजें जो हैं इनके ऊपर हम बात करेंगे आगे, जितनी भी हमने बात करनी है इन सारी चीजों के बाद बात करनी है. यू नीड टू कीप योर चॉइसेस ओपन. व्हेन यू हैव अ चॉइस, तो जब आप सुबह उठेंगे, अगर आपको ये लगेगा कि इस जॉब पे मैंने नहीं जाना, मेरा दिल नहीं कर रहा, एंड यू हैव अ चॉइस, देन यू कैन गो टू द अदर चॉइस. ठीक है, वहां जा सकते हैं. हाउ डू यू डू दैट, उसकी तरफ आ रहे हैं. लेकिन दीज टू थिंग्स आर द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, गाइडिंग प्रिंसिपल्स, जो कि किसी भी करियर को अच्छे तरीके से चलाते हैं. ठीक है, अगेन मैंने आपको पहले बताया, मैं आप लोगों को स्पेसिफिक्स नहीं बात करना चाह रहा है यहाँ पे कि रोजी डॉट वीके पे जाके अकाउंट क्रिएट कर लें और मॉन्स्टर डॉट कॉम पे अकाउंट क्रिएट करें, वो मैं बात नहीं कर रहा यहाँ पे. आई एम गोइंग टू गिव यू द जनरल फाउंडिंग फाउंडेशन प्रिंसिपल्स, जिसके ऊपर फिर आप आगे काम कर सकते हैं. सो इन ऑर्डर टू अचीव दीज टू थिंग्स, नंबर वन क्रिएट वैल्यू, एंड नंबर टू open choices for you. How do you start with that? And I'm going to start with some very concrete things that you can do right now. Jaise ye talk khatam ho ya khair talk ko band kare, jaye aur ja ke ye kaam kar le. The first thing is create a clean CV. Now you must be thinking ki haan ji ye to hame karna aata hai, humne to pehle ki hui hai. मैं अक्सर हायरिंग्स वगैरह में बैठता हूँ, यहाँ पे भी सॉफ्टवेयर हाउसेज वगैरह में भी मेरे दोस्त हैं, सीवीज वगैरह भी बताते हैं, डिस्कशंस भी करते हैं. पीपल डू नॉट नो हाउ टू क्रिएट सीवीज. सीवीज नहीं क्रिएट करनी आती, हम लोग सिखाते नहीं हैं. एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में सीवी क्रिएट करना नहीं सिखाया जाता. जो टॉक्स वगैरह होती हैं उसके अंदर भी जो बातें की जाती हैं, दोज आर मोस्टली आउटडेटेड. मैं एक एग्जांपल आप लोगों को दे देता हूँ. आप लोगों में से जिन लोगों ने अपनी सीवीज बनाई हैं, उसके ऊपर लिखते हैं बड़ा बड़ा ऑब्जेक्टिव. ठीक है, ऑब्जेक्टिव लिखा होता है कि आई एम टू वर्क एट अ हाईली रेप्यूटेबल ऑर्गेनाइजेशन विच वगैरह वगैरह वगैरह, और करियर में ग्रोथ करूँगा. नोबडी रीड्स दैट. सो इफ योर सीवी हैज एन ऑब्जेक्टिव का सेक्शन एट द टॉप, That is a bad idea. Why? Because जब आपकी CV एक दफा किसी बंदे को नजर आती है, स्क्रीन के ऊपर देखी जाती है आमतौर पर CV. ठीक है जी, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में प्रिंट में देखी जाती है आजकल भी. सो प्रिंट में अगर नजर आ रही है या स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है, तो योर CV का जो टॉप है, दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट एवरीबडी सीज. That is your first most important thing that people are going to see. And in that position, you have put something that nobody wants to read. Nobody really wants to know what your objective is. जो कि मैंने शुरू में आपको बताया कि आपका value create करना जो है उसकी वजह से लोग वो करेंगे. So what your objective is not creating value for me. What creates value for me is what you bring to the table. ठीक है, तो आपकी CV के अंदर इस किस्म की mistakes होती हैं. Again, this is not to discuss the details of what's wrong in a CV. लेकिन कुछ बातें आपको बता देता हूँ. Number one, ये objective वाली चीज़ जो होती है ये it's not good. Number two, you need to separate your CV from everybody else's CV. ठीक हो गया. मिसाल के तौर पे, not visually, ठीक है, content wise, आपकी education जो है उसके अंदर if you write कि मैंने BS किया है, किस चीज़ के अंदर BS किया है, इतना मेरा GPA था, so let's assume that you have an average GPA और below average GPA, थोड़ा सा slightly above average GPA. So with that, if you show that to somebody, it's not that interesting for me as an employer to see your GPA. ठीक है, ये आप डिस्कस कर सकते हैं. इवन इफ इट्स अ गुड GPA, 4.0 आपको GPA आपने लिया हुआ है, वॉट आई एम इंटरेस्टेड इन इज वॉट यू ब्रिंग टू द टेबल. सो आपके पास जो चीज़ें उसके अंदर स्पेसिफिकली यू कैन डू दैट नोबडी एल्स कैन डू, वो वहाँ पे होनी चाहिए. आगे चलते जाएं इस तरीके से एक एक करके. अगर आपकी CV जो है, आमतौर पर कहा जाता है कि CV एक सफ़े से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वगैरह वगैरह इस किस्म की बातें जो कि आपको जनरल पता होंगी, बट यू नीड टू डिफ्रेंशिएट योर CV फ्रॉम समबडी एल्स. गो ऑनलाइन, फाइंड गुड डिज़ाइंस फॉर CV. लोग बहुत हॉरेबल किस्म की CVs बनाते हैं. MS Word के अंदर CV बनाई होती है और चीज़ें अलाइंड ही नहीं होती. ठीक है, अभी मैंने रिसेंटली एक जॉब इंटरव्यू के लिए कुछ CVs को शॉर्टलिस्ट किया था. इट वॉज़ अ वेरी वेरी बैड सिचुएशन, क्योंकि उनको यही नहीं पता था कि ये जो दो लाइंस हैं इसके अंदर अगर मैंने चीज़ों को अलाइन करना है तो स्पेसेस से अलाइन नहीं करते. ठीक है, बहुत बेसिक किस्म की बात है. अगेन, सेटअप योर CV, डिफ्रेंशिएट योर CV फ्रॉम everybody else. और उसका एक जो मेजर तरीका कार है वो ये है कि एट द वेरी टॉप ऑफ योर CV यू हैव योर नेम, और उसके फौरन नीचे आपकी होनी चाहिए वेबसाइट का लिंक. ठीक है जी,
ये मैं अक्सर कहता हूँ, बहुत सारे लोगों को कहता हूँ, अगेन आई एम नॉट श्योर व्हाट द ऑडियंस इज ओवर हेयर, लेकिन क्रिएटिंग योर वेबसाइट इज द सिंगल मोस्ट बेनिफिशियल थिंग दैट यू कैन डू फॉर योर करियर. अपनी वेबसाइट अगर आप क्रिएट करते हैं तो दैट इज द लीस्ट एफर्ट वाली चीज, ठीक है, वर्डप्रेस के ऊपर जाके बना लें, एंड इट्स द मोस्ट बेनिफिशियल थिंग दैट यू कैन डू फॉर योर करियर. द रीजन इज कि जितने लोग आपके किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं उसमें से अपवर्ड्स ऑफ 90% पीपल डू नॉट हैव अ सीवी, ठीक है. तो जितने लोगों की सीवीज मेरी नज़र से गुजरेंगी उसमें से 10 में से 9 लोगों की वेबसाइट्स नहीं है और सिर्फ एक बंदे की वेबसाइट है, तो इट क्लियरली सेपरेट्स योर सीवी फ्रॉम एवरीबडी एल्स. ठीक हो गया जी. दैट इज द वैल्यू दैट यू ब्रिंग टू दिस कंपनी, दैट यू आर डिफरेंट फ्रॉम एवरीबडी एल्स और द अदर एप्लीकेंट्स दैट यू आर competing with for that particular job. ठीक हो गया जी. सो सेट अप योर वेबसाइट. अगेन इसके अंदर काफ़ी तफसील है. दो तीन बातें मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि भाई मैं वेबसाइट बनाऊँ उसमें क्या डालूँ. कुछ लोग जो बना भी लेते हैं तो वो फिर उसके अंदर वेबसाइट खाली होती है. तो खाली वेबसाइट इज स्टिल बेटर देन नो वेबसाइट. बट आप लोगों ने, आई होप कि आप लोगों ने, जितने भी लोग हैं ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स को, चूंकि मैं टारगेट कर रहा हूँ, जो जूनियर्स हैं वो भी ये कर सकते हैं, लेकिन ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स तो एटलीस्ट यू आर गोइंग टू हैव एटलीस्ट So you are going to have done some projects, final year projects किए होंगे, नहीं तो semester projects किए होंगे, नहीं तो assignments किए होंगी. Just take everything and put it online, not in one blog post. Normally जो मैं suggest करता हूँ, बता देता हूँ, concrete example दे देता हूँ ताकि you can do it if you want to. So go to wordpress.com, create a website, ठीक है, आराम से बन जाती है 10 मिनट में. Then start posting. पोस्ट जो आप करेंगे तो पोस्ट क्या करें, पहले सेमेस्टर से चीजें उठाएं, जो कोड आपके पास पड़ा हुआ है, इट डजंट मैटर वेदर इट्स गुड क्वालिटी और बैड क्वालिटी, वट एवर यू डिड, क्रिएट अ ब्लॉग पोस्ट. उसके अंदर जी मैंने एक असाइनमेंट की, असाइनमेंट का टाइटल डालें, नीचे उसकी तफसील डालें, दूसरी असाइनमेंट डालें, तीसरी असाइनमेंट डालें. दिस इज नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम, दिस इज पार्ट ऑफ यू अप्लाइंग फॉर अ गुड जॉब. ठीक है, इसको इस तरीके से समझें. सीवी बनाते हैं, प्रोफाइल फिल करते हैं, ऑनलाइन सर्च करते हैं, इसी तरीके से काम है वेबसाइट को क्रिएट करना. ठीक है, पहले सेमेस्टर से आठवें सेमेस्टर तक जितने आपने काम किए हैं, पुट एवरीथिंग इन देयर. हाउ डज इट हेल्प? जब कोई जॉब एम्प्लॉयर आपकी वेबसाइट देखता है तो बिकॉज सो फ्यू पीपल हैव दैट वेबसाइट इन देयर सीवीज, यू ऑलमोस्ट ऑलवेज गेट अ क्लिक. ठीक है, एंड व्हेन यू गेट दैट क्लिक, पहली बात तो यह कि आपने अपने आप को उन सारे कैंडिडेट से डिफरेंशिएट कर लिया. ठीक हो गए. अब जब आपने अपने आप को डिफरेंशिएट कर लिया तो आपने क्या शो करना है? अगेन यू हैव टू डेमोन्स्ट्रेट दैट यू कैन ब्रिंग वैल्यू टू द कंपनी एंड ऑलमोस्ट Anywhere you go, ठीक है, या आप अपने सीनियर से भी पूछ सकते हैं जो कि इंडस्ट्री में जा चुके हैं. मैं पहले इंडस्ट्री की बात करूँ फिर मैं आता हूँ और एकेडमिया वगैरह की तरफ भी आता हूँ. सो इंडस्ट्री में जो लोग जा चुके हैं उनसे आप जाके पूछ लें बेशक कि वॉट एवर वी टीच इन आर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, ऑलमोस्ट ऑल द टेक्नोलॉजीज दैट वी टीच, नॉट द कोर कोर्सेज, टेक्नोलॉजीज जो हम सिखाते हैं, यू आर नॉट गोइंग टू यूज ऑलमोस्ट एनी ऑफ दोज इन योर इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस. इंडस्ट्री में जब आप जाएंगे, आप किसी भी कंपनी में जाएंगे तो वो पहले आपको ट्रेन करेंगे on what they are working on, because most likely what they are working on aapne pehle us pe kaam nahi kiya hoga. theek hai, this is across the board, almost any software house that you go into, anywhere, ms phd ke liye bhi jaye to they're going to train you first. The difference is you want to show them that I can learn quickly. Jitne applicants hain unme se kisi ko bhi wo kaam nahi aata jo wo karwana chahte hain, so why would you be different from everybody else? Rare chance ki aapne wo kaam pehle se kiya hoga. In vast majority of cases, you are going to demonstrate using your 8 semesters ki assignments. Ke maine pehle ye cheez seekhi, dusre semester mein ye cheez seekhi, teesre semester mein ye cheez seekhi, chauthe mein ye seekhi. Ye sari wo cheeze hain jo ke main seekh ke aaya hoon. Itni bahut sari cheeze jab maine seekhi hain, plus whatever side projects you've been doing. To wo jab aap leke jaate hain, to wo job ka jo employer hota hai, wo ye faisla karte hain isko dekh kar, impression jo unko milta hai ki if this person can learn these 30 technologies, this person would also be able to learn this technology that we are interested in. Okay, that is the value that you bring to this company. Your ability to learn new things quickly. Ye aap jab apne potential employer ko dikhayenge to you are immediately set apart from everybody else. Theek ho gaya ji. Ye aapki baat jo hai website wali, again CV wali baat brief kar di, fix your CV. अगेन मैं ये नहीं कहूँगा कि अपने पीयर्स को दिखाएं क्योंकि पीयर्स को भी पता नहीं होता, बट कुछ चीज़ें इस तरह की हैं. लुक एट इट, आर द थिंग्स अलाइंड विद ईच अदर, लेफ्ट अलाइंड, राइट अलाइंड, सही है कि नहीं है. फॉन्ट्स, यू वोंट बिलीव कितने बहुत सारे लोगों की ये मिस्टेक्स होती हैं इसके अंदर. एक हेडिंग का फॉन्ट छोटा है, एक हेडिंग का फॉन्ट बड़ा है, एक फॉन्ट स्टाइल कुछ हो रहा है, दूसरे का फॉन्ट स्टाइल कुछ हो रहा है, इस किस्म की मिस्टेक्स की होती हैं. ठीक है जी. आपके पास लिंक्स जो होते हैं दे शुड नॉट बी ब्लू. ठीक है, एमएस वर्ड का जो डिफॉल्ट हाइपरलिंक का स्टाइल है ब्लू हुआ होता है, इट लुक्स हॉरिबल.
ठीक है, तो वो नहीं होना चाहिए। इस किस्म की बेसिक बातें हैं जो कि CV के अंदर आप फिक्स कर सकते हैं। नंबर दो, अपनी वेबसाइट जो है वो क्रिएट करें, ठीक है। नंबर तीन, जो कि इसी से रिलेटेड है, लोग उसके ऊपर आजकल बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं, बट इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट, ये दो चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं। एंड दैट थर्ड थिंग इज गिटहब का रेपो। तो गिटहब की रेपो जो है वो क्रिएट करें। अगेन, इफ यू क्रिएट अ गिटहब अकाउंट और उसके ऊपर कुछ नहीं है, तो दैट इज नॉट दैट बेनिफिशियल। भाई मैं क्या पुश करूँ गिटहब के ऊपर, पुश वट एवर, नो बडी क्लिक्स ऑन द रिपोजिटरीज, ठीक है। जाएं जाके जिस प्रोजेक्ट में आप इंटरेस्टेड हैं, गिटहब की रिपोजिटरी खोलें, किसी और बंदे की, अपनी भी नहीं हो बेशक, किसी और बंदे की रिपोजिटरी खोलें, उसको फोर्क करें, आपके पास उसकी कॉपी एक आ जाएगी, आपकी प्रोफाइल के अंदर शो होगी, ठीक है। दैट शोज पोटेंशियल ऑडियंस जो कि आपकी गिटहब की प्रोफाइल के ऊपर आ रहे हैं, इट शोज देम दैट यू आर इंटरेस्टेड इन दीज थिंग्स, और एटलीस्ट यू हैव गॉन एंड लुक्ड एट देयर प्रोफाइल एंड यू हैव स्पेंट द एफर्ट इन टू फोर्किंग इट, ठीक है। तो ये बड़ी बुनियादी बातें हैं जो कि आपके इनिशियल जो वो होता है उसको बहुत ज़्यादा बूस्ट देती हैं, ठीक हो गया। तीन चीज़ें बता दी, दोबारा बता देता हूँ, CV को फिक्स करें, वेबसाइट क्रिएट करें। ये वेबसाइट वाली जो चीज़ है इसको शायद पहले CV से ऊपर लेके आना चाहिए। अगर आपकी CV बुरी है लेकिन उसके ऊपर अगर एक वेबसाइट दी हुई और वेबसाइट के अंदर अच्छा कॉन्टेंट है, तो इट रियली रियली बूस्ट योर पोटेंशियल, ठीक है। जो लोग जूनियर्स हैं, अगर कोई जूनियर्स हैं यहाँ पे, अगेन आई एम नॉट श्योर व्हाट दी ऑडियंस डिस्ट्रीब्यूशन इज, अगर आप लोगों के पास है एक्सेस है, लिख सकते हैं, तो यहाँ पे काइंडली ये जो कमेंट्स का बॉक्स है इसके अंदर लिख भी दें कि आप लोग जूनियर हैं या सीनियर हैं, मुझे एक अंदाज़ा हो जाएगा कि किस किस्म की ऑडियंस है हमारे पास, उसको लिख सकते हैं। जी क्वेश्चन भी है तो क्वेश्चन भी मैं साथ साथ देखता जाता हूँ, लेकिन जूनियर्स अगर हैं तो यू आर इन अ वेरी गुड पोटेंशियल पोजीशन एट द मोमेंट कि आप अभी से वेबसाइट क्रिएट करें और अभी से उसके अंदर चीज़ें डालना शुरू कर दें। आपका हार्डली असाइनमेंट करने में अगर 3 दिन लगते हैं, तो अपनी वेबसाइट के ऊपर डालने में आके 10 मिनट लगेंगे, ठीक है। तो वो 10 मिनट, ये जो सवाल यहाँ पर उन्होंने पूछा है कि नैरो डाउन आर एम्स इन दिस फील्ड, तो नो एब्सोल्युटली नॉट, ठीक है जी। यू डू नॉट वॉन्ट टू स्पेशलाइज इन एनी एरिया इन योर अंडर ग्रेजुएट, ठीक है। उसकी तरफ मैं आता हूँ कि क्यों, अगेन जो शुरू में मैंने आपको बात की ना कि यू नीड टू कीप योर चॉइसेज ओपन। अगर आप कहते हैं भाई मैं इस फील्ड में जाऊंगा और मुझे इसी में इंटरेस्टेड और मैंने बस यही काम करना है, सो देर आर अ फ्यू प्रॉब्लम्स विद दैट। नंबर वन, आपका इंटरेस्ट अभी उसमें है, लेट से अभी आप समझते हैं कि जी सिक्योरिटी, अक्सर लोग मुझे कहते हैं मैं सिक्योरिटी में इंटरेस्टेड हूँ, मेरा अपना काम सिक्योरिटी, तो लोग कहते हैं। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन सिक्योरिटी एंड यू स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस जस्ट ऑन सिक्योरिटी फॉर 4 years, और 4 साल के बाद आपको जाके पता चला कि हाँ यार शुरू में बड़ी अच्छी लग रही थी फील्ड लेकिन इतनी मजे की है नहीं, नाउ यू डोंट, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन इट, सो बस अब क्या करेंगे, ठीक है। यू कैन नॉट क्रिएट अ टाइम मशीन एंड गो बैक अनलेस यू आर इंटरेस्टेड इनिशियली इन फिजिक्स, और आपने कोई टाइम मशीन बना ली है, यू कैन नॉट गो बैक। सो वॉट यू वॉन्ट टू डू इज यू वॉन्ट टू widen your breadth, और जितनी ज़्यादा चीज़ें कर सकते हैं, मैं नॉर्मली रिकमेंड किया करता हूँ, अगेन दैट इज़ ये उसका प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन मैं आमतौर पर रिकमेंड किया करता हूँ कि सेकेंड सेमेस्टर में पूरी की पूरी वेब कर लें। अब पूरी की पूरी वेब आप 3 महीने में कैसे करेंगे, नहीं कर सकते। उसका तरीका ये होता है कि हर एक का हेलो वर्ल्ड कर लें, ठीक है। एक चीज़ का हेलो वर्ल्ड, दूसरी चीज़ का हेलो वर्ल्ड, तीसरी चीज़ का हेलो वर्ल्ड, चौथी चीज़ का हेलो वर्ल्ड, सो ऑल ऑफ दीज आर गोइंग टू गो ऑन योर वेबसाइट। You are going to broaden your knowledge. You are going to figure out कि हाँ मुझे इसमें इंटरेस्ट भी लग रहा है। अगर आप देखें शुरू में कहते हैं ना कि मेरा इंटरेस्ट इस चीज़ में है और आप उस चीज़ के अंदर फंस जाते हैं, आप अपनी choices भी बंद कर रहे हैं, आप अपने आप को एक डब्बे के अंदर भी बंद कर रहे हैं कि कल को जाके अगर आपको उसमें इंटरेस्ट खत्म हो जाता है तो फिर आप किसी और चीज़ पर काम भी नहीं कर सकते। प्लस इवन दैट वन थिंग दैट यू आर इंटरेस्टेड इन दैट इज गोइंग टू बी दैट इज दैट कैन बोरो फ्रॉम अदर फील्ड्स, ठीक है। आप अगर सिक्योरिटी में इंटरेस्टेड हैं और आप कहते हैं कि मैं वेब के ऊपर काम बिल्कुल नहीं करूंगा क्योंकि वो तो सिक्योरिटी से बड़ा दूर है, सो द प्रॉब्लम इज सिक्योरिटी के बहुत सारे यूज केसेस वेब से आएंगे, ठीक है। आप कहते हैं मुझे गेम डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं पसंद, मैंने नहीं करनी बिल्कुल, बट हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग जो कि सिक्योरिटी के लिए बड़ी जरूरी है, उसके बहुत सारे यूज केसेस गेम डेवलपमेंट से आते हैं। सो आप जितनी ज्यादा चीजों को कर सकते हैं, सो टू आंसर योर क्वेश्चन स्पेसिफिकली, डू नॉट नैरो थिंग्स डाउन, जितना ज्यादा आप इसको वाइड रख सकें उतना ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है।